गाइस वेलकम टू आरएसएफ ब्लॉग। अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब और बेल नोटिफिकेशन जरूर दबाइए। अभी बहुत दिन से मैं बाइक के ऊपर ब्लॉग नहीं बना पा रहा था बिकॉज मेरी बाइक थी अभी ख़राब था, उसका जो पेट्रोल पंप होता है ना, पेट्रोल पंप और चैन सॉकेट दोनों चीज़ ख़राब थी, तो इस वजह से मैं मतलब बाइक पर राइडिंग नहीं कर पा रहा था। तो मैक्सिमम मेरा बाइक जो थी 10 डेज बंद थी। 10 डेज बंद मतलब कि मतलब वो कम से कम 10 डेज घर पे थी, उसके बाद शोरूम में 15 दिन थी, टोटल 25 दिन थी गाड़ी। इस वजह से मैं एक भी वीडियो नहीं डाल पा रहा था, इसकी वजह से मैं थोड़ा बहुत अनबॉक्सिंग का वीडियो बना लिया था जैसे कि आप देख ही पा रहे होंगे मेरे चैनल पे जाके। आज के वीडियो में कुछ खास नहीं है, मतलब कि मैं गया था सर्विस सेंटर तो बाइक रिपेयर करवाने, तो उसको ही ले गया। टोटल मेरा खर्चा पड़ा था 13,000 और बाइक को मैक्सिमम शोरूम के अंदर मेरे को 3 बार ले जाना पड़ा, इस वजह से ज़्यादा खर्चा बढ़ गया। बट कोई बात नहीं यार, बाइक है तो बिगड़ते रहती हैं चीज़ें। और इस वीडियो में कुछ खास नहीं, आप जैसे मैं आपको डायरेक्ट वीडियो दिखाता हूँ। चलिए वीडियो की तरफ बढ़ते हैं। वीडियो के एंड में गाइस आपको थोड़ा कुछ इन्फॉर्मेशन देना चाहता हूँ शोरूम की तरफ से कि मतलब शोरूम का फीडबैक कैसा है कैसा नहीं, तो लेट्स सी, आप देख लें वीडियो, फिर वीडियो के बाद मिलते हैं।
लेट्स सी। जैसे आपने पूरा वीडियो देखा होगा मेरा जाके, और वीडियो में कुछ ज़्यादा नहीं, मतलब पूरा वीडियो में आपको दिखा नहीं पाया होगा शायद, बिकॉज उसके पीछे बहुत बड़ा रीज़न है बजाज शोरूम की तरफ से। ये बजाज शोरूम है अलाहाबाद के सिविल लाइन में और पत्रिका चौराहे पे है ये। वो बजाज सर्विस सेंटर में क्या हुआ, जो उधर के मैनेजर है मतलब, तो उनसे मैंने बात किया था, तो उन्होंने बोला ठीक है आप वीडियो बना सकते हो। तो वर्कर से भी मैंने बात किया, तो वर्कर ने बोला ठीक है मेरे कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट वहाँ की जो सेल्समैन होते हैं, जैसे कि जो मतलब जॉब कार्ड बनाते हैं, मैं वीडियो बनाने लगा तो जॉब कार्ड वाले ने मेरे को एक बार मना किया, फिर भी मैं वीडियो बनाया। उसके बाद जॉब कार्ड वाले ने बोला कि यहाँ पर वीडियो शूट नहीं कर सकते, और मैंने ये भी बोला उनको कि मतलब कि मैनेजर साहब ने मुझे ऑर्डर दिया, फिर भी वो बात नहीं माने, तो इस वजह से मैं पूरा वीडियो बना नहीं पाया, अधूरा वीडियो रह गया। और वीडियो का जो क्लिप है बहुत ही रिस्क लेके हुआ कि वो डिलीट कर रहे थे, बट डिलीट करने नहीं दिया मैं, और कुछ खास नहीं है। बट उस बाइक में टोटल मेरे को मतलब फ्यूल पंप का है मतलब टोटल बताया गया था 6,000 का मिलेगा, लेकिन मैंने उसको 5,500 में बनाया, क्योंकि बिकॉज मेरे पास डिस्काउंट कार्ड बनवाया था 1,000 का, इस वजह से मुझे कुछ 7 से लेकर 10% डिस्काउंट मिला, तो अच्छा लगा मुझे। और प्लस उसका सेंट चौकड़ 2500 का आया था, बाकी लेबर चार्ज उसका कम से कम 4,500 काट लिया गया। टोटल वो ये सब मिला के और एक्स्ट्रा चार्ज मिला के मतलब टोटल मेरे को 13,000 का चार्ज लगा। बहुत ही क्या बोलूँ आपको, बहुत ज़्यादा लग गया, बट क्या कर सकते हैं यार, बाइक चलानी है तो ये सब करवाना ज़रूरी है। और रही, मैं आपको एक वीडियो बनाया था मतलब उन्हें उसको माइलेज को लेके, तो माइलेज में जैसे आप देखे होंगे मेरे मैक्सिमम वो शायद आपको दिखाया था टोटल 25 लेके 30 के अंडर तक माइलेज दे रही है, लेकिन फ़िलहाल अब मेरा मैक्सिमम 2 साल का हो गया शायद एक्सपीरियंस वो बाइक को। और जो बाइक को लेके रिव्यू मैं शायद अगर पॉसिबल हो सका तो मैं बनाऊँगा और आपको अच्छे से दिखाऊँगा कि मतलब गाड़ी का क्या रिएक्शन है, क्या व्यू है, मतलब कैसे परफॉर्मेंस है, क्या माइलेज दे रही है। अगर मतलब पॉसिबिलिटी हो सकती है तो मैं इस मंथ या नेक्स्ट मंथ में वीडियो ज़रूर बनाऊंगा और आपको बताऊंगा कि बाइक की क्या परफॉर्मेंस है, क्या माइलेज दे रही है और कैसी चल रही है, और क्या क्या उसके पार्ट भी मतलब थोड़ा डिसअपॉइंटमेंट हुई है, और क्या मेरा फीडबैक है मतलब कैसे वो बाइक लगी मुझे 2 साल का एक्सपीरियंस, आपको पूरा शेयर करूँगा। वो वीडियो देखने के लिए आप थोड़ा सा इंतज़ार कर लीजिए नेक्स्ट मंथ तक का, मैं हो सके तो बहुत जल्द बनाने की कोशिश करूँगा, फिलहाल अभी थोड़ा बिजी हूँ इस वजह से वीडियो बहुत ही कम बना पा रहा हूँ, तो सॉरी गाइस उसके लिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, खुदा हाफिज़, टेक केयर, गुड नाइट।